जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊ। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथमे जानवा आज दिन संपर्क आज तिथि नक्षत्र पंचांग संपर्क। आज हूँ 18 मार्च, मार्च मासर 18 तारीख सोमवार 2024 मसीहा ओडियारे फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष सौरमान मीन 5 दिन। दर्शक बंधु आसतु जानवा आज तिथि एवं नक्षत्र संपर्क। आज हूँ नवमी तिथि। नवमी तिथि सूर्योदय पर ठार रात्र 10:45 पर्यंत रहिबे। रात्र 10:45 पर दशमी तिथि आरंभ हेबे। आज दिन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र सूर्योदय पर ठार संध्या 6:50 पर्यंत रहिबे। संध्या 6:50 पर आज पुनर्वसु नक्षत्र भोग हेबे। आज मिथुन राशि चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड भोग हेबे। आसंतु जानिबा आज निषिद्ध खाद्य संपर्क। आज आपण माने कोण खाइबे नाही। आज दिन में सूर्योदय पर ठार रात्र 10:48 पर्यंत अलाव अर्थात लाऊ को खाद्य हिसाब से ग्रहण करंतु नाही। तरकारी रे सिंतुला रे लाऊ व्यवहार करंतु नाही। एवं रात्र 10:48 पर कलम्बी शाग खातु ना। सकाळे कलम्बी शाग बा कलम शाग खाइपरिबे किंतु रात्र 10:48 पर कलम शाग खातु ना। आसंतु जानिबा आज घातचंद्र एवं घातबार थिबा राशि संपर्क। आज कन्या राशि व्यक्ति विशेषकर घातचंद्र जोग रहुछि एवं मिथुन राशि व्यक्ति घातबार जोग रहुछि। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणकर जो पूर्वरु आमे आलोचना करिथिले मेष लग्न पई केउ ग्रह माने जोग कारक, वृष लग्न पई केउ ग्रह माने जोग कारक। आज आमे आलोचना करिबा मिथुन लग्न रे व्यक्ति विशेषक पई केउ ग्रह जोग कारक बा जो माने मिथुन लग्न रे जन्म ग्रहण करिसेंति सेमानक पई केउ ग्रह शुभप्रद केउ दशा अंतरदशा शुभप्रद। मेष वृष मिथुन। मिथुन लग्न होचे काल पुरुषर तृतीय लग्न बा तृतीय राशि। मिथुन लग्न पई जदि आमे विचार को नेबा मिथुन लग्न रो अधिपति होचंति स्वयं बुद्ध। जे बुद्ध मिथुन लग्न एक दात्मिक लग्न बा दी स्वभाव लग्न चोररु किछि एवं स्थिररु किछि अर्थात मेष राशिरु किछि वृष राशिरु किछि मिसी मिथुन लग्न विचार हेछि। मिथुन लग्न पई बुद्ध लग्नाधिपति एवं चतुर्थाधिपति फास्ट लॉर्ड एवं फोर्थ लॉर्ड। लग्नाधिपति चतुर्थाधिपति हेतु बुद्ध होचंति जोगकारक मिथुन लग्न पई। से भली भाव में मिथुन लग्न पई सबुठारु जदि आमे देखिबा वाइट्रल ग्रह अत्यंत शुभ ग्रह से होचंति शुक्र। कारण मिथुन लग्न पई शुक्र होचंति पंचमेश तुलाटा होची पंचम तुला राशि पड़ुची मिथुन टू हिसाब कले तुला पंचमेश एवं एकादशेश बा लाभेश होचंति किए ना शुक्र। तेणु बुद्ध परवर्ती समय शुक्र एवं यहाँ देखिबा शनि। शनि होचंति अष्टमेश एवं भाग्येश भाग्याधिपति होइतिबारु कुंभ हिसाब से भाग्य मकर हिसाब से अष्टम भाग्यपति हिसाब होइतिबारु अष्टमर दोष लागे नाही। तथापि मिथुन लग्न पई शनि होचंति षोडश राजयोग कारक अर्थात राजयोग प्रदान करिवे बेले बेले स्थिति अवस्थिति खराब थिले किछि मात्रा दोषयुक्त होइकि मध्य दंडित मध्य करिवे। तेणु बुध शुक्र होचंति मिथुन लग्न पई अति शुभ ग्रह। शनि मध्य होचंति शुभ स्थान विशेष रे एवं अशुभ ग्रह होचंति प्रधान अशुभ ग्रह होचंति मंगल। मिथुन लग्न को मंगल दशा चले तेल क्षति होता है। मंगल दशा समय मिथुन लग्न व्यक्ति विशेष व अंतरशा समय असुविधा पड़ी था। बृहस्पति होचंति बाधकेश जेहेतु एक दात्मिक लग्न द्विस्वभाव लग्न बृहस्पति बाधक मिथुन लग्न पई बृहस्पति विशेष फलफल दे न था। रवि होचंति मिथुन लग्न पई मित्र ग्रह जोग कारक। रविंकर स्थिति जदि भल थाए ताले मिथुन लग्न पई रवि मध्य शुभ फल प्रदान करिथांति। चंद्र होचंति समभावपन्न ना खराब ना भल स्थिति देखिकरि रिजल्ट दियंति प्राय समय खराब मध्य देइथांति। तेबे बुध शुक्र शनि होचंति जोग कारक। बुध शुक्र प्रमुख जोग कारक तेणु बुद्धंकर दशा शुक्रंकर दशा शनिंकर दशा बुद्ध शुक्रंकर अंतरदशा बा बुधरे शुक्र अंतरदशा शुक्ररे बुद्ध अंतरदशा शनिरे बुद्ध अंतरदशा बुधरे शनि अंतरदशा बा शुक्र शनि अंतरदशा शनि शुक्र बा बुधंकर अंतरदशा चली व्यक्ति विशेष मिथुन लग्न व्यक्ति विशेष शुभ फल प्राप्ति करिथांति। जदि मिथुन लग्न व्यक्ति विशेषक बुध मीनरे रही जाए ता लग्नपति नीच हो गले। बुधंक मिथुन लग्न व्यक्ति विशेष मरकत मणि पान्ना
ବୁଦ୍ଧକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏମରାଲ୍ଡ ଡାହାଣ ହାତ କାଣିଆ ଉଠେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଶୁକ୍ର କନ୍ୟାରେ ନୀଚ ହୋଇଗଲେ, ରବିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଡାଇମଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଡାଇମଣ୍ଡ ନଥିଲେ କମ୍ ପଇସାରେ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜର୍କନ୍ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ପଇସାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରାଲ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅପାଲକୁ ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଠେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଶନି ଜାତକରେ ନୀଚ ଅଛନ୍ତି ମେଷରେ, ବା ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶନି ଖରାପ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ସାଫିୟର ନୀଳପୁଷ୍ପ ରାଗମଣି ବା ବ୍ଲୁ ସାଫିୟର ଏକ ଦାମୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପରୋକ୍ତ ହିସାବରେ ଅତି କମ୍ ପଇସାରେ ଆମେଥିଷ୍ଟ ସପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଜେମ୍ ସବ୍ଜେମ୍ସ ହିସାବରେ ଆମେଥିଷ୍ଟ ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚାଲିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦଶା ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦଶା, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଖରାପ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବାଧକ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଅନନ୍ତମୂଳ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମସୁର ଡାଲି 250 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କଏନ୍ ସହିତ ବା କିଛି ଅର୍ଥ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ବୃହସ୍ପତି ବାଧକ ଥିଲେ ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦଶା ଚାଲୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମିଥୁନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବୃହସ୍ପତି ହେତୁକ ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଛି ତାର ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ।